हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, शॉर्ट चैनल बना लिया है, उस पर काम स्टार्ट आपने कर दिया है, लेकिन अभी के टाइम में आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी वीडियो पर जीरो व्यूज़ आता है, 1K 2K व्यूज़ आता है, 100 200 500 पर कभी कभी रुक जाता है वीडियो। मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, हर तरह की प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो रही है। जीरो व्यूज़ की मोस्टली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा साइड में स्क्रीन पर प्रूफ देखिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब को ओपन किया हुआ है। अब थोड़ा सा पर मैं क्या करूंगा, अपने चैनल के अंदर जाऊंगा। यहां पर मैं दोस्तों योर चैनल के अंदर आ चुका हूं, अपने चैनल मैंने ओपन कर लिया है, कोची शॉर्ट्स नाम से है। ये मेरा खुद का ही यहां पर चैनल है। आप दोस्तों देख सकते हैं 123 वीडियो को मात्र यहां पर अपलोड किया है और 8 लाख मतलब 9 लाख सब्सक्राइबर इस पर जो है होने वाला है। कल यहां पर जो 9 लाख सब्सक्राइबर है वो यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, आपको अपना एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैं चलूंगा अपने पॉपुलर वीडियो के अंदर। वैसे तो मेरे 10 करोड़, 3 करोड़, 1.6 करोड़, 1.5 करोड़, 1.4 करोड़, मतलब करोड़ों में यहां पर व्यूज है, बहुत सारी मिलियन में, लाखों में वीडियो पड़ी हुई है। मैं अपना आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूं। ये मेरा अभी मैंने एक जस्ट इस वीडियो को अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा। 1 जनवरी को मैंने दोस्तों यहां पर अपलोड किया है और आप दोस्तों देख सकते हैं कितना इस पर व्यूज आया है। मतलब 17 दिन के अंदर, मात्र 17 दिन के अंदर दोस्तों इस वीडियो पर आप देख सकते हैं 3 लाख लाइक है, 3 लाख लाइक है, 1,44,77,992 इस पर व्यूज अभी तक आ चुका है 17 दिन के अंदर। और यही वीडियो नहीं दोस्तों, मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। देखो लेटेस्ट में भी अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेटेस्ट में दोस्तों देख लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले अपलोड किया है, 5.7 लाख, और हजारों में तो व्यूज आ ही रहा है हर वीडियो पर। बाकी कोई कोई जो वीडियो है मेरी लाखों में चली जाती है, ये देखिए 35 लाख इस पर व्यूज आ गया है 4 से 5 दिन के अंदर। 1.7 लाख है, 1.5 लाख है, 1.3 लाख है, और 10 लाख देखिए इस पर, 10 लाख है, 1.1 लाख है, मतलब हर वीडियो मेरा जो वायरल है यहाँ पर हो रहा है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकें। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा ही चैनल है, मेरे चैनल का यहाँ पर मोबाइल के अंदर ये लॉगिन हुआ है और आप खुद देख सकते हैं ये मेरा ही चैनल है, ठीक है ना। कोची शॉर्ट्स, टेक्निकल कोची मेरा ये वाला चैनल है और ये शॉर्ट चैनल है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, आपके भी शॉर्ट्स दोस्तों 100% वायरल हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में आपको 2-4 चीज़ें बताऊंगा, आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना है और कुछ गलतियां हैं जो आपको अपने चैनल पर कभी भी नहीं करनी है। आप बहुत सारी गलती करते हैं, नए क्रिएटर हैं, आपके भी शॉर्ट्स यहां पर 100% वायरल हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आपको दोस्तों यहां पर जो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और तो फिर देरी क्यों करते हैं, फटाफट से इस वीडियो को यहां पर जो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना है और कुछ गलतियां हैं जो आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है। देखिए बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनकी शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो गलतियां भी नहीं कर रहे हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं और जो गलतियां हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके शॉर्ट वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद 100% यहां पर वायरल हो जाएंगे। लेकिन उस चीज़ को बताने से पहले आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर आप जो अपने चैनल पर, मैं यहां पर व्यू योर चैनल में जाऊंगा तो यहां पर मैं आपको अपने शॉर्ट वीडियोस एक आध दो दिखा देता हूं। आप दोस्तों देखेंगे कि आप कहेंगे कि सर ये आपके तो शॉर्ट वीडियो है नहीं, आप पता नहीं ये किसके शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूं। ये देखिए, जी हाँ दोस्तों आपका सही बात है, मैं और किसी के शॉर्ट वीडियोस को अपने वीडियो पर अपलोड कर रहा हूँ अपने शॉर्ट चैनल पर। और चैनल के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं 22 सुपर थैंक्स, मतलब ये मेरा चैनल जो है मोनेटाइज है, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर मेरा जो चैनल है उससे अर्निंग भी यहाँ पर हो रही है। आप काफ़ी सारे लोग ये बातें यहाँ पर सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ, ये दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रीन स्क्रीन कंटेंट। अब इसमें तो मैं आपको डिटेल में समझा नहीं सकता हूँ, आपको क्या करना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, अगर आप एक नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। फुल ट्यूटोरियल मैंने दे रखा है, फुल वीडियो मैंने बना रखा है डिटेल में, उस वीडियो को मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसे यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर वॉच कर लीजिएगा। अब चलिए तो सारी बातों को खत्म करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को जो यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको कौन सी जो गलतियाँ हैं अपने चैनल पर नहीं करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। पहले मैं आपको गलतियाँ बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली क्रिएटर यहाँ पर गलती करते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वीडियो के एंड में, जो आपको पता चलेगा, जो आपको अपने चैनल पर फॉलो करना है उन टिप्स को, वो आपको दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान से सुनना है और वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पर जो स्किप नहीं करना है। और वीडियो को लाइक करना भूल गए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज्यादा वीडियो को जो है यहाँ पर नहीं करेंगे, ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखिएगा। मोस्टली तो क्रिएटर हैं दोस्तों क्या करते हैं, अपने चैनल पर काम तो करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि कहीं से वीडियो ले लिया, उल्टा सीधा वीडियो उठा लिया,
और मतलब किसी का भी वीडियो उठाया अपने चैनल पर डाल देते हैं। ऐसी वीडियो दोस्तों बिल्कुल भी वायरल नहीं होती हैं और उनसे आप दोस्तों एक भी रुपए की कमाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। आप अपने खुद का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर हम तो अपना वीडियो बनाते हैं। आप खुद का वीडियो बना रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती क्या कर जाते हैं कि जैसे आपने कोई वीडियो डाला, उस पर व्यूज नहीं आया, तो उसी वीडियो को आपने रीअपलोड कर दिया। ऐसा करने से यूट्यूब की नजरों में ये स्पैम माना जाता है। ये गलती आपको दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो वायरल क्रिएटर है वो कभी भी अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं। या आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि आपकी वीडियो पर 1,000, 5,000, 10,000 व्यूज आ गया, आपने सोचा कि दोबारा इसको अपलोड करते हैं, इस पर ज्यादा व्यूज आएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपका जो शॉर्ट फीड है वो यहां पर बंद हो जाता है, आपकी वीडियो कभी भी यहां पर शॉर्ट फीड में नहीं जाती है। क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे ही क्रिएटर को देखता हूं, मैं चैनल चेक करता रहता हूं, उनकी एक दो वीडियो वायरल हो जाती है, वो 2-3 बार उसे अपलोड कर देते हैं, चैनल को पूरा डेड कर देते हैं, खराब यहां पर कर देते हैं। तो ये गलती आपको यहां पर जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मोस्टली क्रिएटर यहां करते हैं, यहां पर गलती ये भी कर जाते हैं, ये दूसरी गलती मैं आपको बता रहा हूं कि अपने वीडियो को अपने आप देखते हैं। इससे दोस्तों यहां पर YouTube देखिए बहुत चालाक है, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ना समझे। आपको अपनी वीडियो को कभी भी यहां पर वॉच नहीं करना है, वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना है। एक चीज करनी है, वीडियो को अपने आप नहीं देखना है, बट मैं आपको बताऊंगा अभी जो टिप्स है आपको फॉलो करनी है वो आपके आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अपने आप अपने खुद के मोबाइल से अपनी वीडियो को वॉच नहीं करना है, यूट्यूब को इन सारी बातों का यहां पर जो है पता लग जाता है। सॉरी यहां पर ये माइक हो गया था, तो यूट्यूब को इन सारी बातों का जो है पता लग जाता है और आपका जो शॉर्ट फीड है वो यहां पर बंद हो जाता है, आपकी वीडियो यहां पर जो वायरल नहीं होती है, 0 व्यूज की प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहती है, ठीक है ना। पुराने चैनल पर काम करना, ये मोस्टली क्रिएटर गलती कर जाते हैं कि पहले चैनल बनाया था उस पर 2-4 वीडियो डाली, वो बंद कर दिया और पुराना चैनल यहां पर जो है उसी पर दोबारा से वीडियो डालने लग गए, तो ऐसे चैनल डेड पड़े रहते हैं, शॉर्ट फीड में इन तरह की इस चैनल्स की वीडियो नहीं जाती हैं। तो पुराने चैनल पर आपको काम नहीं करना है, नया चैनल क्रिएट करना है और सही से उसके अंदर फुल सेटिंग करने के बाद, पूरे कीवर्ड वगैरह डालने के बाद, चैनल के आर्ट वगैरह, लोगो वगैरह, चैनल का अबाउट वगैरह सारी चीजें फिल करने के बाद सही से चैनल को क्रिएट करना है, कस्टमाइज करना है उसको, उसके बाद उस पर काम चालू करना है और सही से वीडियो को अपलोड करना है। आपका काम जो है यहां पर हो जाएगा, आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में जाने लगेंगी, क्योंकि नए चैनल को यूट्यूब ज्यादा यहां पर सपोर्ट करता है। तो इन सारी गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, पुराने चैनल पर बिल्कुल आपको काम नहीं करना है। गलत फॉर्मेट में वीडियो को क्रिएट करना, मतलब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा फॉर्मेट, ऐसा कट लगा दिया, वैसे उल्टे सीधे फ्रेम में आपने वीडियो बना दिया। जी हां दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा अपनी वीडियो को 9:16 रेशो में या 1:1, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा यहां पर देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट में आपको जो वीडियो वो क्रिएट करना है, उसके बाद अपनी वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि ये सारा काम ये गलतियां करते हैं, ठीक है ना, ये 4 गलती हो गई है। 5वीं जो गलती वो करते हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो को सही से अपलोड करना नहीं जानते हैं। आपको हमेशा अपनी वीडियो को सही से अपलोड करना है। अपलोड करने में वो क्या गलती करते हैं कि टाइटल उल्टा सीधा लिख दिया, हैशटैग बिल्कुल नहीं डाले, थंबनेल पर मेन चीज क्या होती है, अट्रैक्ट करने के लिए, वीडियो पर क्लिक दिलवाने के लिए वीडियो के अंदर थंबनेल और टाइटल मेन चीज होती है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन आपको सही से डालना है, टाइटल वगैरह, हैशटैग वगैरह, ये प्रॉपर आपको इस्तेमाल करना है। तो अपलोडिंग में बहुत सारी ये गलतियां जो है क्रिएटर कर जाते हैं, उस वजह से आपकी जो शॉर्ट वीडियो वो यहाँ पर वायरल नहीं हो पाती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी भूलकर नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये गलती तो आपको मिस्टेक जो बिल्कुल भी भूलकर यहाँ पर अपने चैनल पर नहीं करनी है। अब मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ उनको आपको जो अपने चैनल पर अप्लाई करना है, आपकी 0 व्यूज़ की, 1K, 2K व्यूज़ की, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इन गलतियों को नहीं करना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उन टिप्स को यहाँ पर फॉलो करना है यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए। सबसे मेन चीज़ आती है कि सही फॉर्मेट में वीडियो को क्रिएट करना। मैंने आपको पहले ही बोला था, वीडियो जब भी क्रिएट करें इस फॉर्म में क्रिएट करें, मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा देख लीजिएगा, 9:16 जो वो होता है पोर्ट्रेट मोड शायद बोलते हैं, उस फॉर्म में आपको क्रिएट करना है, उस फॉर्मेट में या 1:1 फॉर्मेट में। इससे आपकी वीडियो तुरंत शॉर्ट फीड में जाती है, ठीक है ना। उल्टा सीधा कटा पिटा ऊपर नीचे ऐसे उल्टा सीधा बनाते रहते हैं वीडियो, मैं देखता रहता हूं चैनल जब चेक करता हूं, ठीक है ना। आपको भी अपना चैनल चेक करवाना है यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी आगे लाइव आऊं आप अपने चैनल को सबसे पहले चेक करवा पाए, ठीक है ना। तो मैं चैनल वगैरह भी यहां पर जो है चेक करता रहता हूं, ठीक है ना। तो सही फॉर्मेट आपको वीडियो क्रिएट करना है, उल्टा सीधा फॉर्मेट आपको जो है बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियो जो है दमदार बनाना है। बहुत सारे क्रिएटर गलती कर जाते हैं, उल्टा सीधा घिसा पिटा कंटेंट जो है क्रिएट करते हैं। आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा दमदार बनाना है। दमदार के अंदर क्या करना है, एडिटिंग अच्छा करना है, उसके अंदर वॉइस वगैरह मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करनी चाहिए, उस वीडियो के अंदर सस्पेंस होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि वीडियो अच्छा बनाना है, अच्छा तभी होगा जब उस पर ऑडियंस अटेंशन ज़्यादा आएगा, ऑडियंस अटेंशन तभी बढ़ेगा जब वीडियो अच्छा होगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है ना। तो एडिटिंग, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको सही से इस्तेमाल करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक फैक्ट चैनल बनाते हैं या फैक्ट वीडियो हो गई, कॉमेडी वीडियो, उनके लिए अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक
और साउंड इफेक्ट वगैरह चाहिए बिल्कुल फ्री में, या आपको जो है थंबनेल के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब यूट्यूबर के लिए जो इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे टूल्स वो चीज़ें होती हैं ना जो थंबनेल वगैरह के लिए काम आती है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। टेक्निकल कोचिंग मेरे चैनल का नाम है, 41,000 से ज़्यादा उस पर जो सब्सक्राइबर है उसको जो उसे ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत यहाँ पर मदद मिलने वाली है, सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने डाल के रखी हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये दूसरी जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ऑडियंस रिटेंशन आपको इंक्रीज करना है, मेन चीज आ जाती है सही से वीडियो को अपलोड करना। आपने वीडियो अच्छा बना लिया, आपने सही फॉर्मेट में क्रिएट कर लिया, लेकिन आप वीडियो अपलोड करना नहीं जानते हैं, सही से वीडियो अपलोड करना सीख लीजिए दोस्तों। उसमें क्या होता है, आपको सही से टाइटल डिस्क्रिप्शन और देखिए टैग वर्क नहीं करता, मैं इसी में आपको बता दूं, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन हैशटैग और थंबनेल ये सारी चीजें को फॉलो करना पड़ता है, सही से हमें अपलोड करना पड़ता है वीडियो को। देखिए इसमें तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं, इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है अपलोड करने का सही तरीका, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, मैंने वहां पर लिख के रखा है कि वीडियो अपलोड करने का 2024 में ये तरीका है, वो वीडियो को यहां पर वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद, ठीक है ना। तो ये तीसरी टिप्स आपको फॉलो करनी है कि सही तरीके से वीडियो को अपलोड करना है, अपने वीडियो को खुद देखना, लेकिन आपको अपने मोबाइल से नहीं देखना है, आपको क्या करना है, आपने सही से वीडियो अपलोड कर दिया उस पर फिर भी जीरो व्यूज आ रहा है, वैसे तो जीरो व्यूज आएगा नहीं, 100% आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा वीडियो में बूस्ट देने के लिए आपको वीडियो को खुद देखना है, लेकिन अपने फ़ोन से नहीं, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, अपने रिश्तेदार वगैरह हो गए उनके फ़ोन से। भाई आप देखिए, आपके फ्रेंड वगैरह सभी के होते हैं, ठीक है ना, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें अपना चैनल सर्च करिए, सर्च करने के बाद या टाइटल सर्च करिए, चैनल सर्च नहीं करना है, वीडियो का टाइटल आपको सर्च करना है, उससे आपको अपनी वीडियो को ढूंढना है और वहां से उस वीडियो को वॉच करना है, दो दो बार उसमें वॉच कर लीजिए और हर किसी के फोन से अलग अलग वॉच करिएगा, ठीक है ना। तो 10-12 व्यूज आपको इस तरह से देने अपनी वीडियो पर, इससे यूट्यूब को पता चलेगा कि हाँ भैया नया चैनल खुला है, ये नई वीडियो इस पर आ रही है और इस पर 10-12 व्यूज भी आए हैं, तो आपकी वीडियो को शॉर्ट फीड में यूट्यूब है वो भेजना स्टार्ट कर देगा, उसको उसमें डाल देगा शॉर्ट फीड में, और आपको पता है शॉर्ट फीड की रीच बहुत ज्यादा होती है, एक बार वीडियो हमारी शॉर्ट फीड में चली जाती है मतलब रॉकेट की तरह चलती है, और मेरे सारे वीडियो जो हैं, मैं अपने चैनल को जो मैंने आपको दिखाया है उसमें सारे वीडियो शॉर्ट फीड से यहां पर वायरल होते हैं। तो ये सारी चीजों को फॉलो करिए, इन टिप्स को फॉलो करिए, और जो गलतियां मैंने आपको समझाई उनको नहीं करेंगे, 100% भाई साहब गारंटी लेता हूं, 100% आपका शॉर्ट जो है यहां पर वायरल हो जाएगा। अपलोड करने का जो तरीका उसका वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो यहां पर सीख लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा हूं उसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो यहां पर वॉच कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये वाला वीडियो आप जो है यहां पर वॉच कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहां पर इस वाले वीडियो को, नया कंटेंट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, इस वाले वीडियो को यहां पर वॉच कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दोनों ही वीडियो देख सकते हैं, दोनों वीडियो आपको दिख रहे हैं, किसी भी को वॉच कर लीजिए, आपको एक चैनल आइडिया लग जाएगा शॉर्ट चैनल के लिए, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, एंड बाय।